राजीव राय पहुंचे पीड़ित परिवार के घर। शासन प्रशासन से कहा हर संभव की जाए मदद इन लोगों। इस समय जो आपको बता दूं कि यूसुफपुर गांव में, जो कोपागंज ब्लॉक के यूसुफपुर गांव में जो घटना घटी थी, 3 बच्चों की मौत हो गई थी पानी में डूबने की वजह से। और सभी पार्टियों के सभी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है वहाँ पे। इसी क्रम में राजीव राय भी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी आज वहाँ मौजूद हैं। और ये देखने को मिल रहा है, काफ़ी बातें कर रहे हैं वो फ़ोन पे और अधिकारियों से ये बात कर रहे हैं। उन अधिकारियों को ये बता रहे हैं कि जो भी इनकी मदद करने लायक, जो भी योजनाएं के तहत, जो भी सरकार के हर संभव मदद की जाए इनकी, ताकि इनको आने वाले दिनों में ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी खबर थी, बहुत सदमा लगा लोगों को सुनने के बाद, देखने के बाद कि 3 बच्चों की एक साथ, शिशु जो थे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। तो इस क्रम में, और आपको बता दें कि आने वाले 2022 के चुनाव भी है, तो इस वजह से जो भी नेता हैं, जो भी पार्टियों के नेता हैं, वो बिल्कुल क्षेत्र में सक्रिय रहना चाहते हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस घटना में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाना चाहिए कि 2022 के चुनाव को भी लेकर काफ़ी तैयारियां, काफ़ी सरगर्मी है इस उत्तर प्रदेश चुनाव में, और इस वजह से भी हर पार्टी के हर एक नेता का आना जाना लगा हुआ है। अब देखना ये है कि इन नेताओं के द्वारा, इन पार्टी के लोगों के द्वारा क्या सहयोग किया जाता है, इन परिवार का क्या उत्थान किया जाता है। अरे खाना किया होगा नहीं ना लगा, वो लोग तो बड़ा हमारों खाना खरीद में सब सब पियो, खाना के बनी खाना लोग खाता।